तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन के अंदर हमें क्या कुछ देख रहे हो। मिलेगा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे स्मैकडाउन की प्रीव्यू की और उसके बाद जाएंगे आज दिन की 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर। वीडियो की शुरुआत से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो गाइस किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात कर लेते हैं दोस्तों कल की स्मैकडाउन की। कल की स्मैकडाउन दोस्तों काफी धांसू रहने वाली है। 5 मार्च की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों हमें बहुत सी ऐसी थिंग्स देखने को मिलेगी जो कि दोस्तों हमारे होश उड़ाने वाली है। सबसे पहली चीज जो कि हम लोगों को देखने को मिलने वाली है स्मैकडाउन की शुरुआत में वो है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की एंट्री। तो रोमन रेंस दोस्तों आने वाले कल की स्मैकडाउन की शुरुआत वही करेंगे जहां हमें उनकी तरफ से एक प्रोमो देखने को मिलेगा। अब बात की जाए इस पर्टिकुलर प्रोमो की तो गाइस इस पर्टिकुलर प्रोमो के अंदर वो बेसिकली डेनियल ब्रायन के ऊपर शॉट्स लेने वाले हैं और कुछ कुछ दोस्तों बातें करेंगे एज की, क्योंकि एज उन्हें रेसलमेनिया में फेस करने वाले हैं। लास्ट वीक भी उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रोमो काटा था जिसके अंदर दोनों को वो इन्वॉल्व किए थे। इस हफ्ते भी यही होगा। यहां उनका कहना यह रहेगा कि आज के मेन इवेंट में जे उसो जो कि मेरा भाई है डेनियल ब्रायन को डिस्ट्रॉय करने वाला है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होगा, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों अपोलो क्रूज पर बिग ई का हमला। तो अपोलो क्रूज जो कि एक नया गिमिक धारण कर चुके हैं उनके ऊपर दोस्तों बिग ई रिटर्न करके हमला कर सकते हैं। आज से 2 हफ्ते पहले दोस्तों जो हमारे अपोलो क्रूज है उन्होंने एक तरीके का स्टील स्टेप फेंका था बिग ई के ऊपर। बिग ई को एम्बुलेंस में ले जाया गया था। बिग ई दोस्तों मुझे क्या लगता है कि इस हफ्ते अपना रिटर्न कर देंगे और आकर गंदा तोड़ेंगे अपोलो क्रूज को। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों बियांका ब्लेयर वर्सेस शेना बेसलर के मध्य 1-on-1 मैच। तो 100% ये मैच कंफर्म्ड हो चुका है। आपको बताना चाहूंगा डब्ल्यू वालों ने इनके मैच को, यानी कि दोस्तों हमारी शेना बेसलर एंड नाया जैक्स के मैच को कंफर्म कर दिया है। ये दोनों दोस्तों अपने टैग टाइटल्स दाव के ऊपर रखने वाली है अगेंस्ट साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर जो कि फास्ट लेन में हम लोगों को देखने को मिलेगा मैच। लेकिन यहाँ स्मैकडाउन की बात करूँ तो दोस्तों एक तरीके का वार्म अप मैच यहां रखा गया है जहां हमें अपनी बियांका ब्लेयर फेस करते हुए नजर आएगी शेना बेसलर को। इस मैच के अंदर दोस्तों कोई भी जीत सकता है क्योंकि आप जानते हैं कि साशा बैंक्स एंड बियांका ब्लेयर की फाइट रेसलमेनिया में होनी है। ऐसे में क्या साशा बियांका की हेल्प करती है, ये भी काफी बड़ा सवाल है। बात की जाए इसके बाद क्या कुछ होना है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोग देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों अल्फा एकेडमी का चैलेंज स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों को। तो गाइस अल्फा एकेडमी यानी कि दोस्तों हमारे चैड एंड ओटीज काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं और अभी जो बीते 2 हफ्ते रहे जहां दोस्तों ओटीज ने अपनी डोमिनेंस दिखाई, मुझे क्या लगता है कि अल्फा एकेडमी इस बारी स्ट्रीट प्रॉफिट को उनके टाइटल के लिए फास्ट लेन में चैलेंज कर सकती है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ होगा, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों सिसारो के ऊपर सैथ रॉलिंस का हमला। तो लास्ट वीक दोस्तों सिसारो ने सैथ रॉलिंस को पीटा था और सब लोग जानते हैं कि सैथ रॉलिंस जो कि हमारे मसीहा है स्मैकडाउन के, वो कैसे व्यक्ति है। वो दोस्तों अपना बदला जरूर लेते हैं और मुझे क्या लगता है कि सैथ रॉलिंस लास्ट वीक की जो पिटाई उनकी हुई है उसका बदला इस बार की स्मैकडाउन में लेंगे और बैक स्टेज उनके ऊपर वो धावा बोल सकते हैं। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रहने वाला है वो दोस्तों डेनियल ब्रायन वर्सेस जे उसो नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए एक स्टील केज मैच। तो स्टील केज मैच दोस्तों मेन इवेंट में रख दिया गया है और इसकी स्टिपुलेशन दोस्तों काफी सिंपल है, लिटरली दोस्तों काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर अगर हमारे डेनियल ब्रायन जीत जाते हैं तो उन्हें फास्ट लेन में मौका मिलेगा अगेंस्ट ट्राइबल चीफ। अब दोस्तों बात की जाए इसके रिजल्ट की, इसका रिजल्ट दोस्तों मेरे हिसाब से इसी तरीके से आएगा कि डेनियल ब्रायन इसके अंदर विजय रहेंगे और उन्हें अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। अगर दोस्तों इस तरीके से नहीं आता है तो हम दोस्तों हमें एंगल देखने को मिल सकता है कि वहां रोमन रेंस आ जाए जो कि दोस्तों चाबी के सहारे केज को खोले, अंदर घुसे, पिटाई करने लग जाए और फिर एंट्री हो एज की, जिसके तहत दोस्तों वो मैच जो कि टीज किया जा रहा है यानी कि एज एंड डेनियल ब्रायन वर्सेस जे एंड रोमन वो भी फास्ट लेन के अंदर कन्फर्म हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ हमें इनमें से 2-1 रिजल्ट देखने को मिलेगा, इनमें से दोस्तों कोई एक रिजल्ट अवश्य देखने को मिलेगा मुझे ऐसा लगता है। बट दोस्तों स्मैकडाउन फिर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहेगी। कितने एक्साइटेड है कमेंट करके मुझे सब बताएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को यहाँ स्किप भी मत कीजिएगा क्योंकि हम जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर यानी कि आज की अपनी खबरों के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं ब्रामा बुल द रॉक से। तो द रॉक जो कि दोस्तों शाउट आउट देते रहते हैं, हाल ही में दोस्तों उन्होंने ऐसा ही शाउट आउट दिया है
द डिस्ट्रॉयर बॉबी लैशली को। हाल ही में दोस्तों एमबीपी एक बंदे के साथ कॉन्वर्सेशन में थे ट्विटर के ऊपर, जहां द्रॉक की नजर पड़ी। द्रॉक ने ये चीज कही कि एमबीपी मेरी बात सुनो ब्रदर, यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी ग्रेट एंड मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि लैशली और तुम सब के सब इस वक्त फाड़ रहे हो। लिटरली दोस्तों एक तरीके का शाउट आउट उन्होंने हर्ट बिजनेस को और बॉबी लैशली को दिया है। इस वक्त दोस्तों बात की जाए हर्ट बिजनेस की तो WWE का नंबर वन स्टेबल बना हुआ है। सिर्फ और सिर्फ MVP के पास ही कोई टाइटल नहीं है, बाकी की दोस्तों जितने भी मेंबर्स हैं सभी के पास गोल्ड है। जहां सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन रॉ के टैग टीम चैंपियन है, वहीं दोस्तों बात की जाए लैशली की तो वो है हमारे WWE चैंपियन। तो दोस्तों काफी बिग शाउट आउट लैशली को दिया है द रॉक ने। बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली खबर जो आज के बारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों जिमी उसो से। तो बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि जिमी उसो का रिटर्न कब होगा। चूंकि दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ रखी थी, तो ऐसे में मैं भी नहीं कह सकता था खुद से कि कब जिमी उसो लौटेंगे। लेकिन हाल ही में दोस्तों खुद उनके भाई ने कुछ कह दिया है। तो हाल ही में जे उसो का इंटरव्यू हुआ था, जहां सवाल यही था जिमी उसो के रिटर्न से जुड़ा, उन्होंने क्या चीज कही। उन्होंने ये चीज कही है, इस वक्त जो चीज मैं सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूं एज ए सिंगल कॉम्पिटिटर वो है मेरा भाई। लेकिन मुझे क्या लगता है कि अब समय पूरा हो चुका है और जल्द हम दोनों एक साथ होंगे। तो गाइस बात करूं जिमी उसो की, जिमी उसो दोस्तों इंजर्ड है और उन पर अपडेट ये थी कि वो मार्च के आसपास हमें दिखाई देंगे। मार्च शुरू हो चुका है और बात करूं जिमी उसो का तो उनका दोस्तों नामो निशान कहीं नहीं है। लेकिन अभी फास्ट लेन PPV बाकी है, जो कि अपने आप में काफ़ी ह्यूज शो है, जहां हमें प्रोबेबली उनके भाई यानी कि जे उसो और रोमन रेंस एक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अब गाइस ऐसा कुछ होता है तो हाँ ये चीज़ भी हो सकती है कि जिमी उसो आकर वहाँ अपने भाइयों की मदद करे और अपने ही स्टेबल को यानी दोस्तों जो है ट्राइबल चीफ वाला स्टेबल बना हुआ है रोमन का, इसे बड़ा करे। तो जिमी उसो का रिटर्न दोस्तों यहाँ टीज कर दिया गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हम चलते हैं आज की अपनी सही लाइव न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस सही लाइव न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों डेव बटिस्टा के ऑल इलीट ज्वाइन करने से। तो पॉल व्हाइट यानी कि बिग शो ने दोस्तों ऑल इलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर लिया है। हाल ही में दोस्तों उनकी पहली अपीयरेंस हम लोगों को देखने को मिली थी, जहां उन्होंने ये चीज कही थी कि हम कोई ऐसा बंदा साइन कर चुके हैं जो कि एवोल्यूशन में दिखाई देगा, जो कि हॉल ऑफ फेम वर्दी है माना। काफी बड़ा नाम उन्होंने साइन किया है। स्पेकुलेशन दोस्तों यहां तक है कि CM Punk वो व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कई रूमर्स का मानना ये भी था कि वो डेव बटिस्टा हो सकते हैं। बटिस्टा ने आज थिंग्स को क्लियर किया है, उन दोस्तों ट्वीट करके ये चीज बताई कि शायद अब रिटायर्ड जैसा शब्द नहीं रह गया रेसलिंग की दुनिया में। माना दोस्तों जताना चाहते हैं कि वो रिटायर्ड है और वो ऑल इलीट रेसलिंग को ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो अपना पल्ला दोस्तों बटिस्टा ने झाड़ दिया है, बटिस्टा ने साफ कर दिया है कि AEW का पार्ट शायद वो ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि सुपरस्टार्स कहते कुछ है करते कुछ है, वो तो फ्यूचर ही बताएगा क्या होगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी से। तो आज से कई साल पहले दोस्तों हम जानते हैं राइवलरी स्टार्ट हुई थी, साल दोस्तों 2015 में इनका पहली बार फेस ऑफ हुआ था, जहां दोस्तों हमने चीज देखी थी कि पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर बैक स्टेज पहली बार रोमन से मिले थे। रोमन ने उस वक्त ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी, वो थिंग दोस्तों काफी मॉन्यूमेंटल थी। आज पॉल हेमन ने उस थिंग को याद किया है ट्विटर के ऊपर, दोस्तों उन्होंने तस्वीर डालते हुए ये चीज़ कही कि आज से कई साल पहले मैं रोमन से पहली बार मिला था, उस वक्त ही हम जान गए थे एक दूसरे को ढंग से और आज फिर से वो समय आया है रेसलमीना का, फिर से हम दोनों मेन इवेंट होने जा रहे हैं। तो एक दोस्तों ह्यूज थिंग इन्होंने की है वो है दोस्तों रोमन एंड ब्रॉक को फिर से एक पिक्चर में दिखाया है, जो कि कई सवाल निशान पैदा करती है। वेल इससे पहले रूमर्स ये भी थे कि रोमन रेंस जो है वो आगे जाकर ब्रॉक के साथ एक राइवलरी का पार्ट हो सकते हैं, और ये राइवलरी इस बिना पर हो सकती है कि पॉल हेमन क्यों रोमन के साथ है। वेल मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने जा रहा है और क्यों दोस्तों बार बार ये थिंग हमारे सामने आ रही है। बट गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कहने से पहले दोस्तों थैंक्स फॉर मेंबर्स। वेल आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।